कि कौन आ चुका है अभी घर पे हमारे, और ये पता नहीं कहाँ गायब था। कहाँ गायब थे वो? बुआ के भाई जो इनके जाने कहाँ तक जाई, कहूँ ना जाई यार। ये फेवरेट चाउमीन आ गई। क्या आ गई तुम्हारी फेवरेट? बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और देखिए घने बादल कैसे झूम रहे हैं और मेरे ऊपर एक एक बूंद बरसा रहे हैं। जैसे मैं लेटा हुआ हूँ ये देखकर बोल रहे हैं कि बेटा अब घर में जाओ, अब नहीं लेटो क्योंकि अब मैं बरसने वाला हूँ। गाइस बादल देख सकते कैसे मुझे डरा रहा है। ये देखिए जो मुझे गाँव में है वो शहर में कहाँ। शहर में आदमी दो कमरों में रहकर उसी में पैक हो जाता है, उसी में खाता पीता सब कुछ करता है, सब कुछ वही है। लाइट ना हो एसी ना हो तो बेकार है। यहाँ गांव में वाइब आती है अलग। कभी बारिश हो जाती है, कभी पेड़ों की छांव में बैठो, कभी घर के बाहर आके लेट जाओ। इतने बड़े घर में कहीं भी लेट जाओ, ऊपर चले जाओ। गाय हमारी गाय माता को देखो, हमारी गौ माता, ये दोनों बच्चियाँ हैं हमारी गौ माता की। और ऊपर मौसम देखो, ट्रैक्टर के ऊपर का मौसम कितना ही सुंदर लग रहा है गाइस। और इधर हमारी गाय माता गाय जो इधर बंधी हुई है, देखिए खाना खा रही है अपना। यहाँ से दिख नहीं रही, पूंछ दिख रही है केवल। गाय ठंडी ठंडी फुहारे आनंद दे रही है मुझे, एक अलग ही वाइब आ रही है। ठंडी ठंडी बिल्कुल चेहरे पर गिरती है जना बूंदे, तो बहुत ही अच्छा लगता है, अमृत जैसा। कितना मज़ा आ रहा है। भीगने का डर ना हो तो मैं ऐसे ही लेटा रहूं। और कल शाम को मैं भीग गया था, बारिश हो रही थी, मैं नहाने जा रहा था, मुझे लड्डू लेने जाना था मंगल मीटिंग के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना बारिश का आनंद लिया जाए। प्लेटिना में चाबी लगाकर जैसे मैंने स्टार्ट किया, भरी बारिश, झम 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 बारिश की बूंदें मेरी आँखों मेरे सर के ऊपर भिगो रही थी। मेरी आँखों को खुलने नहीं दे रही थी। मैंने अपनी आँखों के ऊपर मस्तक पे ऐसे लगाया हाथ और सीधे चल दिया मणिटाण की ओर। गाइस और देखिए मच्छियाँ भी मुझे प्यार कर रही हैं। भाई हाय हटो 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 हटो। तो गाइस सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज। तो गाइज मोबाइल चार्ज नहीं थी तो इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। और गाइज इतना चारा मैं लेके आ गया हूँ और इसमें मक्के, इसको डोणा कहते हैं, और इसमें मक्का लगा हुआ है। मक्का आज हमने तोड़ा नहीं, वैसे ले आए हैं। और आपको दिखाते हैं कल बारिश में मक्का तोड़ा गया था। और गाइज इतना मक्का हम तोड़ के लेके आए थे और धीरे धीरे ऐसे ही तोड़ते रहेंगे। ज़्यादा मक्का है नहीं गाइज, ख़राब हो गया था तो इसीलिए हम इतना मक्का तोड़ा। गाइज मेरी वीडियो हिल रही है क्योंकि मेरा हाथ हिल रहा है, स्टेबलाइज नहीं हो रही है और मुझे ट्राईपॉड लगाना पड़ा। और गाइस ये देखिए मेरी साइकिल जो बन नहीं पाई है पैसों के कारण, क्योंकि मुझे यात्रा पे भी जाना है और पैसे हैं मेरे पास लेकिन वो दूसरे काम के लिए हैं तो मैं उसको खर्च नहीं कर सकता हूँ। तो गाइस पहले तो मैं ट्राईपॉड उठा लेता हूँ अपना। पहले पीते ठंडा ठंडा पानी, कूल कूल, बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो गाइज अभी चल रहे हैं फिर से चारा लाने के लिए और लिटरली एक पल्ली चारा आ चुका है मेरा और अभी और चारा लाने के लिए जा रहे हैं। और इधर हमारी गौ माता, देखिए गाइज गौ माता। और ये हमारी मुन्नी। और ये देखिए कौन आया है गाइज, ये देखिए कौन आ चुका है अभी घर पे हमारे, और ये पता नहीं कहाँ गायब था। कहाँ गायब थे वो? बुआ के गए रहा। अरे गिरी पिटाहीन कर दो तू, कौन इधर मामा के कहूँ बुआ के यहाँ घर के भोजन नहीं निकला था।
और गाइस हम और अपर भाई इधर बैठे हुए दोनों लोग अमरनाथ यात्रा की तैयारी बनाते हुए, और हम लोगों के पास पैसे नहीं है तो सोचते हैं पैसे कहाँ से आए, किसी से इधर उधर मांगे। तो गाइस आप जिन लोगों को भी हेल्प करनी हो हमारी, हम अपना QR कोड दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं अमरनाथ यात्रा में जाने के लिए, और आपको पुण्य मिलेगा गाइस। तो गाइस अभी चलते हैं टुब्बल पर और चारा ले आते हैं, और हमारे मामा भी हैं तो उनसे भी मिल के आते हैं टुब्बल पर, देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर। तो भाग चलो भौजाई देवर चुम्मा मांगत है, भाग चलो भौजाई देवर चुम्मा मांगत है। गाइस मैं बिना बाइक के कोई भी काम नहीं कर पाता हूँ, तो मेरे पास प्लेट में ये देखिए डिस्चार्ज हो गई इसकी बैटरी, क्योंकि काफ़ी देर से मैं लगभग 15-20 मिनट से खड़ी हूँ। और गाइस मैं अभी गोलू मटोलू लग रहा हूँ, क्योंकि मेरा रुपया लेके आवे का दे दो आए का करे डोना आई बाली सा ठीक वहाँ पर लगी। तो गाइस देखिए हमारे मामा मन मामा है बाली तू रहा है ना तहरे चले आ तो चलो तू दुनिया वाली तो ये हो जो ले जाता डर लगता है कौवा तो गोरा ले जाए उड़िया के फूड बनाए रहे बुला के बहनी तो का करी अरे अब खेतों में ले कटारा तोल लो तो जो काम कर रहे हैं तो कम उठा ले तो फिर चले जाओ। ये तो कौन है हमें तेरे को मुड़े 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 खा धराई के हां रखे थे हम दो आदमी के जो हेरी तब रखाई हाँ यार ना रख मिली अकेल एक दिन बोया ना है पहले रखा याद रहे ठीक है बोया तब ऐसे गन्ना लगा ले यार ना बस ऐसा ना वो बीवा तो और बढ़िया जामी पुरान बिया है ना मैं ही पतरकी अर लिया हुआ है तो जहाँ लाए ना बीवा पतरकी अर लिया मिक्स रही और हमें बाद में बताए जब काट भी हम आए देवर चुम्मा मांग हमें यार दुकान लगे पर है मिलो तो जमीन दवा दो मेरे को धन नहीं हो रहा है जो का करियो दुमे चलो दुकान लगाओ ये बढ़िया नफा होई दुकान तो जोरता दे दे भाई ए मिस्त्री आओ जोरा जा यार छाड़ छाड़ के कहूं इधर चलो इधर मेरे धान में चलो तब का ही सब पूरा ही प्लाट बो है घास धान देखे जो धान ठीक है लाइन से दिखा ना अगवा देखो आगे देखो लाइन से ना दिखा तो घास वो नंबर जैसे घास काटे भैया हां मेरा कोई है कुछ ना करे मेरी गाय ये देखिए हमारा चारा तैयार है इतना चारा मैं ले जाऊंगा कौन जोन हुई ना वह तूरे हो वो कहा बोलते मान दाना रही कहूँ ना जाई यार ये तो गाइस देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी घास है, और ये वाली मक्का हमारी ख़राब हो गई है, मतलब ये हमने देसी बो दिया था और ये चर भी गई थी तो काफ़ी ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी खाने पीने लायक बहुत ही ज़्यादा मक्का था। और पीछे का व्यू देख रहे हैं कितना ही शानदार ज़बरदस्त आ रहा है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मामा आ गए हैं तो मैं उनका थोड़ा सा मतलब वो तोड़ने वाली फिर जाता हूँ, ये चारा वारा रख के जल्दी से फिर इधर को मतलब चीकू को लेने के लिए जाना है। अभी मैं खाऊँगा चारा घर पर तुरंत निकल लूँगा चीकू को लाने के लिए, चीकू वहाँ पर अपनी मम्मी को काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो मैं उसको लेकर आ रहा हूँ। गाइस ये कितने किलो का होगा 50 100 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
50 किलो से तो ऊपर ही होगा, मैं इसको लेकर जाऊंगा। तो भाई मक्का लोड कर दिया है अपनी साथी पर, बाइक पर। तो गाइस अब कोई काम नहीं करेंगे और अब जा रहे हैं नहाने के लिए। तो लाइट है नहीं, टंकी वाले पानी से नहाना पड़ेगा, जैसा भी पानी हो टंकी का, और नहा के तुरंत चलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो जा रहा है और लगभग 6 बज गए हैं। तो आपसे नहा लेते हैं गाइज। गाइज देखिए मैं तैयार हो गया, कितना हैंडसम लग रहा हूँ। गाइज हैंडसम नहीं लग रहा हूँ, गोलू मटोलू लग रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे बाल छोटे हो जाते हैं तो मैं हमेशा ऐसे लगता हूँ। और मैंने शर्ट पैंट पहन लिया है, नीचे चप्पल, क्योंकि सूज में ज़्यादा पहनना पसंद नहीं करता। और मेरे पैर में चोट लग गई है गांठ पर, जहाँ बिल्कुल पैर जूते का पीछे वाला होता है ना, वहाँ पर चोट लग गई, तो मैं जूता भी नहीं पहन सकता। तो अभी चलते हैं गाइज चीकू के पास। गाइज मौसम बहुत ही खतरनाक वाला सीन हो गया मौसम का, और मुझे लग रहा है मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा कि उससे पहले बारिश हो जाए, ऐसा फील हो रहा है। गाइज ये मौसम भी बादल देख सकते हैं, काले बादल। बारिश भी होने लगी, देखिए मेरे को कैसा फिलहाल हल्का तो भीग गया हूँ, और बारिश स्टार्ट हो गई गाइज। अभी मैं आधे रास्ते में पहुँचा था और बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश तेज़ होगी शायद, कल भी इतनी टाइम बारिश हुई थी लेकिन कल घर पे थे, आज बारिश हो रही है, आज बाहर है। फेवरेट चाउमीन आ गई, क्या आ गई तुम्हारी फेवरेट? अभी आ गया हमारा पिज्जा, और हमने चिली और गरम फ्रिज मंगाया। हम और चीकू घर आ गए हैं। चीकू कहाँ आ गए? अपने घर। अच्छा जा चुम्मी दो, जा चुम्मी दो, तो दे एक चुम्मी दो, एक चुम्मी इधर गाल पे, मेरे गाल पे लिहा रहो तो फोटो खींची, चुम्मिया लिहा रहो। हाँ बेटा हुआ भाई, हम लोग अभी आ गए हैं घर पे, और गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं फाइनली। तो गाइस आई होप आप लोगों को हमारा ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगेगा, करते रहें, और गाइस नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप लोगों को बाय, गुड नाइट।